कंडोलिया पार्क से बीजीआर परिसर पौड़ी गेट तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया शक्ति परिषद प्रदर्शन। छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने दिखाया अपना संख्या बल। हेमवती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीजीआर परिसर पौड़ी में प्रत्याशी अपना दमखम दिखाने के लिए शक्ति प्रदर्शन का सहारा भी ले रहे हैं। ऐसे में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं के द्वारा जुलूस निकालकर अखिल भारतीय परिषद से छात्र संघ चुनाव को लेकर चुने गए प्रत्याशियों के समर्थन में रैली निकालकर व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। कंडोलिया पार्क से लगभग 12 बजे के आसपास जनसभा के बाद शुरू हुआ शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम 1:30 बजे तक चला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्र छात्राओं के द्वारा कंडोलिया पार्क से बीजीआर परिसर के मुख्य गेट तक रैली निकाली गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अभिरुचि नौटियाल ने कहा कि परिसर की पहली महिला पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुकी संतोष रावत से उन्हें प्रेरणा मिली है। वही उपाध्यक्ष पद पर प्रेम चंद्र गुर्जर को लेकर भी इस दौरान छात्र छात्राओं में रैली के माध्यम से समर्थन मांगा। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष मयूर भट्ट, छात्र संघ अध्यक्ष ऋत्विक जायसवाल, भाजपा की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जिला संयोजिका बबीता रावत, पूर्व सभासद कुसुम चमोली, आह्वान संस्था के अध्यक्ष प्रियंका थपलियाल, दुर्गा वाहिनी की जिला मंत्री रुचि नेगी, विकास चौहान सहित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े कई कार्यकर्ताओं की इस दौरान मौजूदगी रही। विद्यार्थी परिषद का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और अध्यक्ष पद की मुझे दावेदारी करने के लिए यहाँ पे उपस्थित किया। और मैं यहाँ पे छात्राओं के लिए काम करना चाहती हूँ। और जैसा कि हम सब को विदित है कि 2000 में एक दीदी आई थी हमारी यहाँ पे संतोष, तो संतोष दीदी है उनका नाम, वो अध्यक्ष पद पे रही है। और उसके बाद 2024 में अब कोई लड़की अध्यक्ष पद की दावेदारी यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से कर रही है। और मैं यहाँ पे छात्राओं के हित के लिए कार्य करना चाह रही हूँ। मेरा सर्वप्रथम मुख्य उद्देश्य तो यही रहेगा कि जिस तरीके से हम अपना कैंपस में देखते हैं यहाँ यातायात की जो सुविधाएं हैं, यहाँ मैं बस लगवाने का पूरी कोशिश करूंगी। और हॉस्टल में जो है कि बाथरूम वगैरह हो गए, जो हमारी गर्ल्स बहनों के लिए बाथरूम की दिक्कत होती है, मेडिकल की सुविधाएं नहीं है, तो मैं उन सब बिंदुओं पर काम करूँगी। हाँ जी, यहाँ पे मुझे बेसिक रूप से जैसे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रहे हैं अभी तक हैं ऋतिक अस्वाल जी का, मुझे सपोर्ट मिल रहा है, पूरा घर पर सपोर्ट मिल रहा है। ऐसा कोई दबदबा तो नहीं है उनका भी, इस बार हमारा भी दबदबा है। इस बार हम चाहेंगे कि जो हमने वादा लेके आए, वादा लेके छात्रों को वादा दिया पूरा करेंगे। जिस तरह में कहेंगे पानी की सुविधा भी नहीं है, का हर डिपार्टमेंट में कहेंगे जो कोई पानी की सुविधा नहीं है। और छात्रों को मतलब यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, कक्षा छात्रों के लिए कोई बचाव लिए कोई नहीं है। और छात्रावास में बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखा जाए तो बहुत सारी कमियां हैं, पर यहाँ हमें वो सुविधा नहीं मिल रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के साथ हमें वो सारी सुविधा मिलनी चाहिए। बाहर के राज्य यहाँ पर 15 से ज्यादा कई राज्य के स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं, उनको उस सुविधा पूर्ण रूप से नहीं मिल रही। तो मैं उस सुविधा को पूर्ण करूंगा, पानी से लेकर बस और मेडिकल सुविधा नहीं है तो मेडिकल सुविधा भी मैं उपलब्ध करूंगा। क्या नाम आपका? किस प्रेमचंद्र गुजर, मैं प्रत्याशी जैसा कि यहाँ पर आपको आज देख रहे हैं कि बहुत समय बाद विद्यार्थी परिषद ने, इससे पहले भी विद्यार्थी परिषद ने लड़ाई की और इसमें भी छात्र संघ में विद्यार्थी परिषद ने एक महिला बहन को यहाँ पर टिकट दिया है। बहन अभिरुचि नौटियाल जिनका यहाँ टिकट है, बहुत ही जोश की लहर यहाँ सभी लोगों पर है। सारे लोग जितने हमारे विद्यार्थी परिषद के काम कर रहे हैं, मैं भी विद्यार्थी परिषद का पूर्ण कार्यकर्ता हूँ। इस समय पूरे भगवान लहराएगा, पूरा जो ये पौड़ी परिसर है, पौड़ी ही नहीं अभी तो जो पूरे गढ़वाल में इसमें इलेक्शन हो रहे हैं यूनिवर्सिटी में, हर जगह आपको भगवान लहराया हुआ मिलेगा। यही हम लोगों की आकांक्षा अपेक्षा है। और विद्यार्थी परिषद भी ऐसा छात्र संगठन है जो युवाओं को स्वामी विवेकानंद के कदमों पर चलने का राह दिखाता है। बाकी तो किसी न किसी के चमचे वमचों का संगठन है, वो उनका अपना संगठन है। ये विद्यार्थी परिषद स्वामी विवेकानंद की विचारधारा में चलता है, अब कोई आउल आउल की उसमें चलता होगा वो अलग विषय है। तो यहाँ का छात्र राष्ट्र के हित के लिए और राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा। पौड़ी का परिसर बहन अभिरुचि की और जो हमारे यहाँ पे कोषाध्यक्ष जी जीते हैं और हमारे भाई गुर्जर जी, इन सब के साथ मिलकर के एक बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ पे स्टडी का बनाएंगे, ऐसी मेरी आकांक्षाएं और अभिलाषाएं हैं। देखिए जो अभी छात्र संघ अध्यक्ष हैं उनकी अभी जो है घर वापसी हुई है, तो कहते हैं कि सुबह का बोला अगर आपको घर आ गया तो उसे बोला नहीं कहते। और ठीक है, उनका भी अपना परिसर में काम चल रहा है, छात्र जो हमारी बहन है उनके साथ पूरा उनका प्रॉपर जो है कैंपेनिंग वगैरह चल रही है। देखिए जैसा कि जब जब इस धरती पर
ज्यादा उस प्रवृत्ति के लोग हो जाते हैं कि वो कार्यों को बाधित करें, तब तक माँ जगदम्बा अपनी शक्ति के रूप में किसी न किसी को भेजती है। इसी को आगे रखते हुए माँ काली की हम उपासक हैं, सभी के सब माँ भगवती के उपासक हैं, इसीलिए हम उन्हीं का स्वरूप समझते हुए बहन को इस समय विद्यार्थी परिषद लाया है। और जरूर सब प्रतिशत ये है, चाहे कभी किसी कोई शक्तियां कभी अपना आधिपत्य जमाया हो, पर भगवान शक्ति और माँ जगदम्बा जब जब अवतार लेकर के आई है, जब जब उसने अपना कोई ना कोई अपने प्रत्याशी के रूप में भेजा है, इस समय शत प्रतिशत उनका दमन करके भगवान परचम इस पूरे कैंपस में लहराए। खबर भारत वर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी फैसला जनतंत्र का।